ଆମର ଆଦାନୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି ବାର ହଜାର ସାତଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ବା ଋଣମୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଋଣମୁକ୍ତ ସରକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। जहाँकि जुलाई 2022 मसीह आरंभ कर धार्मिक एकता ट्रस्ट संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय द्वारा यह आरंभ कर वर्तमान सुधा यही अभियान में 3 लाख रु ऊर्ध लोक निजक पंजीकृत कर सारी 20,000 रु अधिक लोक निजर आ जीवन को बचाइबार सफल होती जमीक गत किछि वर्ष धरी देश में नोटबंदी GST एवं लॉकडाउन जो बहुत श्रमिकों आरंभ करी व्यवसायी गोष्ठी पर्यंत ऋणग्रस्त होती आज जमी से ऋण सुझापी ना से पाखे रोजगार अच्छी ना से पाखे से संसाधन अच्छी आज व्यापार से ही मात्रा रे चली ना जे से ऋण को सुझीपारे आई ऋण को सुझी न पारा जो ये बैंक आउ NBFC कंपनी मैंने विभिन्न संस्था मैंने से मैंने जनता उपरे जो प्रकार चाप पकाउछन्ति से माने मानसिक चाप पाइबा जो रोगग्रस्त आउ आत्महत्या भाया कार्य करने मानने उत्साहित होती आउ से आत्महत्या को रोकवाई ऋणमुक्त भारत अभियान आरंभ कर देशर प्रत्येक नागरिक को तांकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने ऋणमुक्त भारत अभियान आरंभ कर आरो मेन मोटो कौन रहबो माने आ द्वारा लोक कौन उपकृत हो प्रकार ऋण देखो ऋण विभिन्न प्रकार ऋण थाए जेबले हाउसिंग लोन हो मॉर्गेज लोन हो बिजनेस लोन क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन तो ये जो घड़ीसंधि मुहूर्त रे कोरोना पै जो लॉकडाउन हैला लोक मैंने जॉब हरेले आर्थिक स्थिति विषम है ये अभियान आरंभ उद्देश्य होची लोक मानकर आर्थिक स्थिति ठीक करिबा एवं यह केवल सरकार ही करि परिबो कहीं सरकार यह लगे GST हो नोटबंदी हो लॉकडाउन कर देबा विभिन्न कंपनी से समय भी बंद हो जाइछंती तो वर्तमान कंपनी मत उठि पानी लोगों को जॉब रो जो ग्यारंटी रोला से ग्यारंटी आज के लिए ना तो लोक मैंने आज जो आर्थिक स्थिति में पड़ जाइछंती आम जाने तीनटारु जदि अधिक किस्ती बाउंस हो जाए अकाउंट NPA हो जाए जहाँफल गोटे व्यक्ति को जो लीगल एंगल आउ बैंकिंग साइड रो जो टॉर्चर फेस करने को पड़ी से सबुरी कि गोटे विक्टिम को रक्षा करा जाए पारिबो एहा होची आमर दाबी सरकार को जहाँफल RBI तरफ रु भी विभिन्न गाइडलाइंस जारी करा जाए छि कि गोटे विक्टिम सह आपण कथाबार्ता हेबे एवं ताको कि समय देबे तो आगामी दिन लक्ष्य होची सरकार जो भाई क्रिटिकल केस रोच जो मैंने प्रकृत में यही मान ऋण नहीं कि समस्या होती आज से पाखे किसी संबल ना से ऋण परिशोध करने को सहायता दि जाऊ ऋण माफ करा जाऊ किंबा से 2 वर्ष अधिक समय दि जाऊ रोजगार दि जाऊ आगामी दिन में से ऋण परिशोध करेंगे यह हूँ आम आगामी दिन लक्ष्य आम ऋणमुक्त अभियान को आम जारी रखिबु जेपर्यंत भारत सरकार आमर ए ऋणमुक्ति अभियान को मानि नै नाहंती आम से पर्यंत आमर ए अभियान को चालू रखिबु आमर गोटे दाबी रहिबो जे जो मानक एक्चुअली ऋण परिशोध करबा कथा बा जो माने आर्थिक रूप से माने संबल नुहे जे से ऋण परिशोध करिपरिबे से मानक भारत सरकार ऋणमुक्त निहाती करबा दरकार मु गोटे कथा आप उदाहरण दे कहीपरि बर्तन आपड़ रिसेंट न्यूज पढ़ी कि आपंकर आदानी पाखापाखि 12,000 700 कोटी टंका रिटर्न अफ बा ऋणमुक्त करदी पुंजीपति मानक ऋणमुक्त सरकार करेणु आम साधारण जनता और मध्यवित्त श्रेणी पर लोक ऋणमुक्त करने सरकार निश्चित पदक्षेप ना उचित मोर जो धार्मिक एकता ट्रस्ट जोटा कि आप स्क्रीन रे देखिपे मोर बैनर में ता तरफ आम ऋणमुक्ति अभियान आरंभ करछु
ଆପଣ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କରିକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏନି ସମୟରେ ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଋଣମୁକ୍ତି ଋଣ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଲତ ତରିକା ଇଏ ନକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯିଏ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ରହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ଲିଗାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଋଣମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସାରା ଭାରତରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏଇ ନିବେଦନ ରହିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନି ନ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।